नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल के डीआर में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मिस किया था कि मेरा वीडियो अब लाइव आएगा, फाइव फेस आएगा, तो मैं आज आपके सामने फिर हूँ अपनी लाइव और फाइव फेस वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि जो भी लोग साधना कर रहे हैं, जो बिगिनर हैं, वो लोग साधना में क्यों जल्दी सफल नहीं हो पाते हैं, इसी विषय पर मैं आज चर्चा करूंगा। मेरे बहुत सारे वीडियो से आपको ये तो कभी पता चल गया होगा कि जब भी हम कोई भी साधना करते हैं तो वो उस मार्ग पे चलने की एक सीढ़ी होती है, छोटी सी सीढ़ी, लेकिन ये जो साधना का मार्ग है ये बहुत बड़ा है, काफी बड़ा। इसमें सफलता पाने के लिए एक तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है पेशेंस, धैर्य, और दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेप होता है वो होता है आपके टाइम की पंचुअलिटी। अगर आप साधना में सफल होना चाहते हैं तो एक समय निर्धारित कर लीजिए, चाहे वो समय आपका सुबह का हो या शाम का हो। अगर आप तंत्र क्रियाओं की साधना में जाते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया जो समय होता है वो रात्रि का रहता है, 10 बजे के बाद से 12 बजे के पहले पहले। इस समय में तंत्र क्रियाएं जो होती है वो बहुत होती है, जल्दी देती है। दूसरा जो नियम आता है वो ये आता है कि आपको बहुत सारे अनुशासन अपनाने होते हैं। अनुशासन की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उपयोग न करना, छुप न बोलना और जमीन पे सोना कुछ समय के लिए। जैसे अगर आपने एक संकल्प लिया हुआ है 11 दिन 12 दिन 4 दिन, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सफलता का छोटा सा सूत्र जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी साधना में सफल हो सकते हैं। वो सूत्र क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये साधना का मार्ग है, ये एस्ट्रोलॉजी है, यानी ये आपकी एस्ट्रोलॉजी और ये साधना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कैसे? जब भी हम सूर्य की साधना करते हैं तो इसमें मोस्टली सफेद कपड़े पहनते हैं, दिन सोमवार का चुनते हैं, तो इसमें चंद्र देवता का है। इसी तरीके से हर ग्रहों के ऊपर एक एक रूलिंग देवता या उनकी डेटी है। जैसे कुछ लोग अगर विष्णु भगवान से पूछते हैं तो वो लोग अगर बृहस्पति अपनी कुंडली में अच्छा कर लेते हैं तो बृहस्पति उनको जल्दी साधना में सफल होने का बहाना देता है। एग्जाम्पल के रूप में इसको ऐसे समझिए कि अगर आपका धनेश देने वाला ग्रह, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मंगल हो, शुक्र हो, कोई भी, अगर वो आपसे ऊंचा हुआ है तो आपके पास कितनी भी लक्ष्मी जी आ जाए आप वो पैसे नहीं मिले। लेकिन अगर आपका बलवान है तो ब्रेन में आप उसकी उपासना साधना या मंत्र कर रहे हैं, कोई भी तरीका मैंने रखना है, तो लक्ष्मी जी आपको स्वतः ही मिल जाएगी। मैं देखा होगा चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे माता हो, इसमें पीले कपड़ों का आपने देखा होगा, पीले कपड़े चुनते हैं चुनते हैं क्योंकि उसका जो प्लैनेट होता है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर आपकी कुंडली में अच्छा प्लान होगा तो ही आपको साधना के मार्ग पे ले जाएगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि साधना बेकार है, ऐसी है, ऐसी है, तो ये कौन होता है, ये आपसे यही प्लानिट करवाते हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में मोक्ष प्राप्ति के ग्रह अच्छे हैं तो आपको मोक्ष ला सकते हैं, तो आपकी साधना अच्छी हो जाएगी। यही कारण है कुछ लोग की साधना कुछ दिनों में ही अपना असर दिखा देते हैं, दो दिन तीन दिन अनुभव होने लग जाते हैं, और कुछ लोग साल साल दो साल भी रहते हैं कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होते। अगर कोई इंसान ये नहीं जानता है कि उसके किस ग्रहों की उपासना करनी चाहिए तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे बढ़िया मेथड है कि आपके लग्न का स्वामी, यानी पहले घर में जो भी आपकी राशि उदय है, यानी पहले भाग में, यानी कुंडली में जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ नंबर लिखा होगा, जैसे आपका एक नंबर लिखा होगा, दो नंबर लिखा, तीन नंबर, तो जो राशि का स्वामी होता है उसके आप पूछा करिए और बाकी अपने साथ।
दूसरा तरीका होता है ये आपका लग्नेश का, दूसरा तरीका होता है कुंचलेश, यानी कुंडली के त्रिकोण हाउस में किस साइड में लेफ्ट वाले जितना कोई जो नंबर लेकर होता है वो आपका पंचमेश होता है। आपकी पूजा पाठ, आपकी पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशन होता है उसे संबंधित। अगला भाग आता है त्रिकोण में ही ऐसे चलता है त्रिकोण के साथ ऊपर आपका पंचमेश तो इसमें जहाँ पे नंबर लिखा रहेगा जैसे सबको गणितीय नंबर लिखा होगा पहली नंबर आपके उन तीनों में से आप एक को चूज कर लीजिए, जो है नेक्स्ट चूज कर लीजिए। लगने से आपका जो होता है वो आपके शरीर की आत्मा होती है, जो आपका भाग्य होता है हर समय धन का सहारा रहता है जब आपको की जरूरत होती है। और पंचमी आपको पूजा पाठ से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं मोक्ष की प्राप्ति भी किसी तरह से होती है, संतान पुत्री हो जाए कोई भी उसी से देखा जाता है और जमे में आपकी पढ़ाई लिखाई भी किसी भाव से देखी जाती है। इन तीनों से एक चूज कर लीजिए जो भी आपका प्लान जगह प्लस आपके जो भी अधिष्ठाती देवी देवता है उसकी पूजा कर सकते हैं। तो चांसेस है कि आप भी इस पूजा में बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। सो मेरा आज का जो बनाने का टॉपिक था वो इसी पे था कि क्यों लोग उस भावना के भारत पे जल्दी सफल नहीं हो पाते। अब कुछ लोग तो ऐसा बोलेंगे कि जो भगवान है वो प्लानेट से ऊपर है, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि भगवान 100% प्लानेट से ऊपर है, लेकिन आपको एक बात समझिए कि प्लानेट भी भगवान ही है, देवता ही है। इसीलिए आज भी गांवों में देवताओं की पूजा ज्यादा होती है क्योंकि देवता भी भगवान है। तो आपको साधना के मार्ग पे जाने के लिए सम्मान मिलेंगे, पढ़ाई लिखाई में भी आप कर देंगे। आप सबसे कहने का मतलब है कि एक प्लैनेट का आप कोई भी मंत्र पकड़ लीजिए उसकी पूजा करिए एक माला और उसके बाद अपने देवी देवता को अच्छा करे सभी कामना को पूर्ण करे ऐसा मेरा जय श्री राम जय भगवान।